हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारत की नई संसद भवन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधारशिला कहाँ रखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी है नई दिल्ली में, और उसका उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 मई 2023 को। देखिए, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है, और उसका उद्घाटन किया है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का आकार निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत भारत के नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, HCP डिजाइन एंड प्लानिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। देखिए, भारत के नए संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी कितने रुपए में लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 961.90 करोड़ रुपए में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट कंपनी ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 64,500 वर्ग मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया संसद भवन कितने मंजिला का होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 मंजिला इमारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया संसद भवन को बनाने का अनुमानित लागत कितना आएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 971 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1272 सदस्य। देखिए, नए परिसर में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें होंगी, और वर्तमान संसद भवन के में इसमें केंद्रीय कक्ष नहीं होगा, और संयुक्त सत्र के मामले में कुल लोकसभा कक्ष मिलाकर कुल 1272 सदस्य को समायोजित करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन के लोकसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 888 सदस्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 384 सदस्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 545। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 545, और यदि बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा यह भारत की संसद का
ऊपरी सदन है उसमें 245 सदस्यों तक सीमित होता है और अधिकतम इसमें 250 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान संसद का उद्घाटन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1927 में। देखिए भारत के वर्तमान संसद का उद्घाटन किया गया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही। देखिए भारत के वर्तमान संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है हर्बर्ट बेकर के द्वारा और सर एडविन लुटियंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने संसद भवन को बनाने में कितना खर्चा आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 83 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 में। और यदि बात करें राज्यसभा के, तो राज्यसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।